नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। हमारे देश में आस्था के अनेकों रंग देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसा ही रंग चैत्र नवरात्र के बाद यूपी के मिर्जापुर जिले में मौजूद आदिशक्ति विंध्याचल धाम में भी देखने को मिला। यहां वैशाख महीना शुरू होने के बाद धाम का गंगाजल से शुद्धिकरण किया गया। घंटे, घड़ियाल, शंख, नगाड़े और शहनाई की मधुर ध्वनि से पूरा विंध्याचल धाम गुंजायमान हो गया। हजारों की संख्या में भक्त गंगा के पवित्र जल को घड़े में भरकर मंदिर के सभी देवी देवताओं का अभिषेक करके निकासी में शामिल हुए। भक्तों ने मंदिर को धोने के साथ ही पूरे धाम की सफाई की। आधी रात में दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए जहां देवी की आराधना की गई, वहीं नवरात्र में तंत्र साधना के दौरान आई तमाम योगिनियों की विदाई सविधि पूजन अर्चन के साथ बलि चढ़ाकर की गई। मान्यता है कि मंदिर का शुद्धिकरण करने और भूत प्रेत और योगिनियों की विदाई करने के लिए निकासी करने से दुष्ट आत्माओं से मुक्ति और आपदाओं से छुटकारा मिलता है। विंध्य पर्वत के मणिदीप पर विराजमान आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी का धाम आदिकाल से ही साधकों के लिए एक सिद्ध पीठ रहा है। माता के दरबार में तंत्र मंत्र के साधक आकर साधना में लीन होकर माता रानी की कृपा के पात्र बनते हैं। नवरात्र में प्रतिदिन देश के कोने कोने से भक्तों का तांता जगत जननी के दरबार में लगा रहता है। साधना के दौरान साधक धाम में भूत प्रेत, लंकिनी, पिशाचनी, डाकिनी और योगिनी का आह्वान करते हैं। मेला खत्म हो जाने के बाद विंध्याचलवासी माता के धाम की गंगाजल से धुलाई की जाती है। आदिकाल से चली आ रही इस परंपरा के तहत भक्त घड़ों की पूजा करने के बाद गंगा स्नान करते हैं। इसके बाद घड़े को गंगा जल से भरकर माता के धाम की सफाई का काम शुरू कर दिया जाता है। माता के धाम में आस्था से विभोर भक्तों का घड़े के साथ तांता लग जाता है। माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पूजा के बाद निकासी करके जहां दुष्ट आत्माओं का शमन किया जाता है, वहीं योगिनी की विदाई भी की जाती है। तो आपको विंध्याचल धाम की एक बेहद अनोखी परंपरा से रूबरू कराने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।